वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो कि ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए थे, और ये तब तब आइडेंटिफाई किया जब उनमें ब्रेकआउट आने की प्रॉबिलिटी थी, जब वो अपना ट्रेंड चेंज कर रहे थे और हर चीज़ हमें कैश में करना था, तो हमें सिर्फ बाई साइड देखा है। जब बाई साइड मोमेंटम आया था तो हमें उनमें पोजिशन बनाने की कोशिश की थी, और मैं अपने ब्रेकआउट ले के 4-5% का प्रॉफिट लेके ऑलरेडी निकल चुका था। मतलब मैंने बहुत दिन तक होल्ड नहीं किया था क्योंकि दूसरे स्टॉक्स में भी आइडेंटिफाई हुआ था ब्रेकआउट, तो उनमें इन्वेस्ट किया था। तो मैं मोस्टली टारगेट करता हूँ 4 से 5% एक बार में रिटर्न लेने के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता। बट एज अ इन्वेस्टर, आप अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी पोजिशन बनानी है, आपके पास कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके अपना स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें जब तक उसमें डाउनफॉल नहीं आता उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही चीज़ है, अब सारे स्टॉक को देखते हैं। देखिए, पहला स्टॉक था ITC, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, मैं पूरी टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप उसके लिए, आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो हर एक स्टॉक का है, तो आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं दिखाऊंगा कि कब एंट्री की थी और स्टॉप लॉस क्या था और इतना कितना परसेंटेज रिटर्न अभी तक फ़िलहाल आया हुआ है। तो पहला स्टॉक अपना है ITC। तो ITC में हमने एंट्री की थी अराउंड 14 जुलाई के आसपास, और यहाँ पे एंट्री का रीज़न यही था कि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड आने के बाद एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, और यहाँ पे वो कुछ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमने पोजीशन अपनी बना सकते थे। और यहाँ पे आप एक्चुअली हमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा मिल रहा था, स्टॉप लॉस करीबन इस लो के नीचे था, तो हमने यहाँ पे अपनी एंट्री करी। मैं तो 4% लेके एग्जिट मैं पोजीशन, बट आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एज अ इसको इन्वेस्टेड रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं एंट्री करी है और 204 के आसपास हमारी कहीं एंट्री थी, ये यहाँ पे कहीं 204 के आसपास इधर कहीं एंट्री करी थी, सॉरी इसको उठा देते हैं, कुछ और लग गया यहाँ पे। तो 204 के आसपास हमारी कहीं एंट्री थी, अभी तक इसने हाई जो लगाया है वो लगाया है 245 का, समथिंग 246 के अराउंड का। तो परसेंटेज रिटर्न अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो परसेंटेज रिटर्न आप देखोगे तो इट इज़ मोर देन 20%। तो दिस इज़ मोर देन 20% रिटर्न, और कब, मे बी जुलाई है, 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने में भी नहीं हुआ, और 20% रिटर्न आपको मिल चुका है। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, जब से हमने लिए एंट्री तो स्टॉक जो है यहाँ यहाँ ब्रेकआउट आया, उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद फिर से अपना स्टॉक अपने स्टॉप लॉस तक नहीं आया, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ से देखिए, मूव देखिए कितना बिल्कुल फ्लैट मूव है, बिल्कुल जैसे कहते हैं पैराबोलिक मूव टेक्निकल के लैंग्वेज में, तो ये पैराबोलिक मूव दिखा है। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था, तो यहाँ तो कभी आया ही नहीं, थोड़ा ऊपर गया, एक चैनल में चला, ये छोटा सा चैनल, लेकिन कभी भी इसने ये नहीं दिखाया कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है वापस, हमेशा एक मेंटेन रखा है इसने, लोअर लोस जैसे बनाता है स्टॉक जब भी ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में घुसता है, उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे इस लो को, ये इसने लो बनाया था यहाँ पे, इस लो को रिस्पेक्ट किया अगेन, उसके बाद सीधा मूव, देखिए इट इज़ लाइक क्लोज टू 20%। अगला स्टॉक देखते हैं, ये तो बहुत ही, ये तो मतलब बहुत बढ़िया गया अभी तक, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अपनी एंट्री यहाँ पे कहीं हुई थी, स्टैंड लाइन के सेम डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में ऑलरेडी था, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया तो हमने देखा कि ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है, हमें मार्क करके रखा था ऑलरेडी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसी दिन, इसी किसी दिन हमने एंट्री दी, यहाँ पे एंट्री दी, तो हमारा लेवल जो आप देखोगे तो लेवल हमारा यहाँ यहीं कहीं था यहाँ पे, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा था यहाँ पे इसके नीचे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। उसके बाद और पोजिशनली, और इसने हाई देखिए कहाँ तक लगाया, हाई तो देखिए 4,42,50 का हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा चुका है, और इसका जो परसेंटेज देखिए इट इज़ मोर देन 40% रिटर्न आपको अभी तक मिल चुका है, और इस स्टॉक सीधा अप ट्रेंड में, मतलब इसने अभी तक कहीं भी ये डर की वो भी नहीं दिया कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हमेशा एक प्रॉपर चैनल में चला है। देखो अभी, अब ये देखो यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर जैसे चैनल होता है अप ट्रेंड का वैसे जगह, ये आप एक हाई, ये देखिए पूरा जैसे कहते हैं ना बुकिश लैंग्वेज, ये पूरा बुकिश लैंग्वेज में चल रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया मूव है। तो अभी तक इसमें अच्छा ही, अभी तक अच्छा दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और बहुत स्टॉक्स हैं मार्केट में जब आप, तो यहाँ पे अभी स्टॉक हमने वही आइडेंटिफाई किए जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, समझ रहे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर मान लीजिए ट्रेंड चेंज भी होता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो स्टॉक्स आपको बहुत मिल जाएंगे अप ट्रेंड में जाने वाले हैं, लेकिन क्या, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, ये मेन चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे सबसे कम स्टॉप लॉस था और दूसरी यहाँ पे नीचे आ रहा था, इस यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, और जब हमने आइडेंटिफाई किया उसके बाद ये पीछे नहीं मुड़ा है, सीधा ऊपर ही जा रहा है। जैसे बुकिश लैंग्वेज चलते हैं ना, आप बुक कोई बुक पढ़ेंगे और ऐसे ही आपको दिखाएंगे हाई लो बनाता हुआ, तो उसी 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 का बुकिश लैंग्वेज का एग्जाम्पल है बुरा है। चलिए और अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है ये भी तो भाई, ये एक बार भी इसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो यहाँ पे कहीं आइडेंटिफाई किया था, ये डाउन ट्रेंड में आया था थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट विद वॉल्यूम ठीक ठाक थी, लेकिन एक ब्रेकआउट था, एक अच्छा पैटर्न दिख रहा था यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, अच्छा ये रिएक्शन दिखाया था, 9 पे सपोर्ट रैली टेस्ट किया, तो उसके बाद ये सीधा अभी तक बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखते हैं एंट्री कब थी, एंट्री यहाँ कहीं थी, और स्टॉप लॉस वही छोटा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। एंट्री इसीलिए अच्छी है क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। सेम ये भी आप कह सकते हैं, ये देखिए अभी परसेंटेज रिटर्न देखोगे आप, इसका हाई मार्क कर लेते पहले, हाई इसमें लगा यहाँ पे, परसेंटेज रिटर्न देखिए 35%। बाप रे, ये स्टॉक आपने होल्ड करके आपने रखे हो, छोटे क्वांटिटी में रखे हो, एज अ लर्निंग पर्पज रखे हो, तब भी बहुत बहुत 35% बहुत होता है। मे बी म्यूचुअल फंड 1 साल 2 साल 3 साल में इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न देता है, लेकिन आप स्टॉक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेक्निकल से सीख सकते हैं, खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, मतलब कुछ ही पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और रिटर्न देखिए क्या जबरदस्त रिटर्न है। और यहाँ पे सेम बुकिश लैंग्वेज का है, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा, यहाँ गया एक हाई छोटा पीछे अगेन हाई, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ अगेन ऊपर, तो ये अभी भी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ से आके वापस जाने की कोशिश कर सकता, तो रिटर्न अभी भी है, लेकिन हमें क्या है कि हमेशा जब भी जैसे एंट्री हो गई है और हमें प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल कर सकते हैं। जैसे स्टॉप यहाँ स्टॉक ने इतना मूव ले लिया, तो स्टॉप लॉस थोड़ा प्रॉफिट अपने प्रॉफिट जोन पे ला के सकते हैं, ताकि आपको कभी नुकसान नहीं होगा उस ट्रेड में, हमेशा प्रॉफिट को मतलब तो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर खींचते रहिए। जैसे कहते ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो हर एक लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 35% रिटर्न है इसमें। आइए अगला इंडिगो में बात करते हैं। इंडिगो देखिए कहाँ आइडेंटिफाई किया हमने, यहाँ पे क्या था, कोई मूवमेंट नहीं था पीछे, देखिए कोई मूवमेंट नहीं था, कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था उसने टाइम से, 1 महीने से, लेकिन यहाँ जैसे ही जिस दिन हमने एंट्री करी और उसके बाद देखिए मूव, मतलब पैरा, इसे कहते हैं पैराबोलिक मूव, सीधा बिल्कुल ऊपर एंट्री, यहाँ है स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं होगा हमारा, छोटा स्टॉप लॉस हो एंट्री बड़ी हो, ये तो हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए ये बुकिश लैंग्वेज पूरी हाई हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, ये थोड़ा हो सकता है यहाँ तक आए, उसके बाद सीधा ऊपर, इसने हाई लगाया है 2304 का। रिटर्न चेक करते हैं, रिटर्न अपना जो है 33%। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमें ये नहीं लगा कि ये नीचे आ सकता है, यहाँ पे नीचे जब आया था ये ऑलरेडी, आप जब आपको अगर अपने थोड़ा बहुत टेक्निकल की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि लोअर एक ट्राई पर रिट्रेसमेंट आता है, और रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इसे, या तो टेस्टिंग कह सकते हैं अगेन, यहाँ पे जितना भी अपने सेलर्स कितने एक्टिव हैं दिखता है, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए आप जब पीछे आया है नीचे गया तो बहुत बहुत लो वॉल्यूम्स हैं, अगेन जब ऊपर जाने लगा तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो ये एक टाइप का टेस्ट ही है कि स्टॉक हमेशा टेस्ट करता है अपने अपने सेलर्स को, कि सेलर्स अभी तक एक्टिव हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, मतलब इतना इतना लोगों ने जो आप प्रॉफिट बुक किया वो बुक करते हैं प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जब बुक करते हैं तो दे विल सेल द ऑर्डर, सेल ऑर्डर होगा तो प्रेशर आएगा सेलिंग प्रेशर, तो सेलिंग प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं वो स्टॉक को नीचे ले जाते हैं, लेकिन नहीं यहाँ से फिर से स्टॉक अपना जब उसने बायर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्हें लगा कि यहाँ पे बाइंग प्राइस फेयर प्राइस, अगेन दे एंटर्ड एंड अगेन द स्टॉक इज मूविंग अप। चलिए अब बात करते हैं हिंड पेट्रो की। हिंड पेट्रो भी अभी तक, हिंड पेट्रो भी बहुत रिसेंट स्टॉक है, मतलब अभी बहुत ही रिसेंट है, महीना भी नहीं हुआ मुझे लगता है, सितंबर में अगस्त में लिया, यहाँ कहीं एंट्री है 30 अगस्त को एंट्री की, अभी कितने दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, तो अभी तक इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो फिलहाल अभी बहुत अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे भी देखोगे ये अप ट्रेंड में ही है, अपनी एंट्री यहाँ कहीं थी, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, स्टॉप लॉस क्या था हमारा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, ये लो के नीचे कर सकते हैं या इस कंसोल यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ये टाइट होगा, एक बार प्रॉफिट जोन में चला गया तो यहाँ ला सकते हो, इनिशियली पैसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन जब एक बार प्रॉफिट जोन में आ गए तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे सेम अगेन रिटर्न इसका देखते हैं कितना, ये स्टॉक अभी भी फिलहाल बहुत अच्छा है, 20 ही दिन हुए हैं इसमें, फिलहाल अभी इसमें रिटर्न कितना है, ऑलरेडी 10% के आसपास रिटर्न है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि देखिए ये देखिए ये गया ये गया ये ये ये, अब इसके बाद हो सकता है कि यहाँ थोड़ा टेस्ट करके वापस नीचे आए,
एंड देन जूम। तो हमेशा वॉच करते रहना है, और हमेशा आप जो उसने यहाँ पे बाय किया है तो ज़रूरी नहीं है आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, तो अपना स्टॉप लॉस आपको उठा के आप इस स्टॉक के नीचे ला सकते हैं, ताकि अगर स्टॉक नीचे आ गया तो आप चुपचाप निकल जाएंगे, तो दूसरे स्टॉक पे देखेंगे, ज़रूरी नहीं है इसे होल्ड करके रखना है। तो बजाज कॉन ये हिंद पेट्रो में बहुत अच्छा अपना ब्रेकआउट दिख रहा है। बजाज कॉन, हाँ बजाज कॉन में थोड़ा आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सीखने वाली चीज़ ये है कि अपनी एंट्री जो थी वो यहाँ थी कहीं, ठीक है ना, इस ब्रेकआउट पे यहीं कहीं एंट्री की थी, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे हाई लगा के थोड़ा सा नीचे की ओर आया। लेकिन यही सीखने की चीज़ है कि जितनी इम्पोर्टेंट एंट्री है उतनी इम्पोर्टेंट अब एग्जिट भी है, ये हमारा स्टॉप लॉस था। अभी अब यहाँ पे जब गया स्टॉक, यहाँ से एंट्री एक बार ये गया तो ये गया यहाँ पे लगा एक बार, इसने हाई लगाया, लेकिन उसके बाद वापस इसे इसी को टेस्ट करने आया यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं पहले का यहाँ पे टेस्ट करने आया, वापस बार्स ने इसे ऊपर पुश किया, लेकिन अगेन फिर अगेन यहाँ पे आया, थोड़ी देर इसने वेट किया यहाँ पे एंड देन डाउनफॉल। तो यहाँ पे अपन को निकल जाना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपको दिख रहा है कि दो बार इसने यहाँ कोशिश करी जाने की लेकिन नहीं जा पा रहे, ऑलरेडी उसका मतलब है सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है। अब यहाँ सेलर्स वापस अपना इस प्राइस पे लेके आए, अगर यहाँ से वापस ऊपर क्या हो जाता तो एक चांस थी कि हाँ यहाँ से अपट्रेंड हो सकता, लेकिन इसने क्या किया, ये जो इसे कह सकते हैं एक डबल टॉप, ठीक है ना, ये हाई और ये हाई, ये क्या है, ये डबल टॉप, दो बार यहाँ से अपना स्टॉक जो यहाँ देखे यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो जब यहाँ पे इसने जब इस लो को ब्रेक कर दिया ना, इस सीजन वाले लो को, यहाँ पे ये जो रीजन वाले लो को ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टेड रहने का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा नुकसान लेके, जिसने जैसे मेरे जैसे बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पे इसी हाई पे कहीं यहाँ पे जब ये कैंडल बनी ना इतनी बड़ी रिजेक्शन की, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी एग्जिट कर चुका था। लेकिन जो इन्वेस्टर्स जैसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करें उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है पैटर्न में। यहाँ पे डरने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी डरने की बात यहाँ पे थी, अगर यहाँ से नीचे जाता लेकिन ऊपर गया इट वॉज गुड, अगेन नीचे आया तब डरने की बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक जो अपना कॉन्सेप्ट होता है हायर हाइस का वो ब्रेक हो रहा है, ये हाई, तो ये हाई का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये हाई ये हाई, लेकिन अगली बार उसने क्या किया, वो ऐसा गया यहाँ गया, तो स्टॉक ने यहाँ गया एक बार, यहाँ गया एक बार, नीचे आया ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस इस लेवल पे आया, यहाँ पे गया अगेन ब्रेक नहीं कर पाया वाला हाई, वो वापस यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये तीन देख रहे हैं ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे को इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, इसका मतलब डाउन ट्रेंड आ गया, तो वो स्टॉक जो है यहाँ जब उसने ब्रेक किया यहाँ, अब ये सीधा डाउन ट्रेंड में है, तो अपन को जितनी इम्पोर्टेंट एंट्री उतना इम्पोर्टेंट एग्जिट भी है, और यहाँ पे अच्छा रिटर्न था स्टॉप, आप अगर आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं हुआ होगा इसमें। तो इसी टाइप से पोजिशनल एंट्रीज को सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर सीखना है। मेरे पास और भी स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था बहुत अच्छा रिटर्न, उसमें मैं तो छोटे रिटर्न पर निकला था, लेकिन और भी उसमें अच्छा रिटर्न चल रहा है अभी, मैं और उसमें वीडियोस बनाऊंगा इंडिविजुअल स्टॉक की, ये मैं सोचा कि जितने स्टॉक्स मैंने अभी तक दिए उस पर एक छोटा वीडियो बनाते हैं, उसमें देखते हैं वो स्टॉक्स कहाँ पे हैं, और इसमें पैसे की बात नहीं है यहाँ पे कि कितना कमाया क्या है, मेन चीज़ है कि आपको आपने जो करा आपने जो सीखा और आपने जो एनालाइज किया वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो 36% 35% 40% बहुत रिटर्न होता है, मतलब इससे ज़्यादा रिटर्न आप क्या ही कमाएंगे, 4% रिटर्न 4 साल में बैंक में कमाते हैं, तो इससे अच्छा रिटर्न तो क्या ही है। तो ऐसी और वीडियो लेके आता हूँ मैं, और वीडियोज़ में एनालिसिस डालूंगा, और छोटे छोटे अपने ट्यूटोरियल्स भी चालू करूँगा डालना अभी थोड़े थोड़ा टाइम बाद। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको हाँ एक चीज़ और, जितनी भी वीडियोज़ हैं ये सारे स्टॉक्स ही ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, आप जाके इनको पूरा एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस क्या था, पूरे टर्मोलॉजी जितनी भी असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल कंसोलिडेशन सारा टर्मोलॉजी वहाँ पे देख सकते हैं, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें आप कुछ ना कुछ पक्का सीखेंगे सीखेंगे और खुद अपने चार्ट में जरूर से अप्लाई करेगा। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय, चीयर्स।